गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स कैसे हो मैं राजू सलूजा फ्रॉम गुरुदेव पब्लिक इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल गुना आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के विषय में एक्सप्लेनेटरी फॉर्म दे रहा हूँ कुछ टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसमें बच्चों ये जो टर्म परमाणु है जिसका मतलब एटम होता है ये सबसे पहले हमारे महर्षि कनाथ ने दिया था जिसको आगे डाल्टन ने बोला था कि मैटर जो जगह घेरता है उसका सबसे छोटा पार्ट जनरली एटम होता है तो मैटर मीन्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज जनरली एटम जो कि इनडिवाइजेबल होता है ग्रीक वर्ड भी एटम का वर्ड मतलब है इनडिवाइजेबल। और अपन लोग बोलते हैं ये जो एटम है ये स्ट्रक्चरलेस होता है इसका मास फिक्स्ड होता है एलिमेंट वेक एंड डिफर एलिमेंट्स. बच्चों पहला मॉडल था मॉडल इन्होंने क्या बोला था एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर है गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने बीट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐड कर दिया ये जस्ट लाइक वाटरमेलन है प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको तो वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट है वो क्या है आ, प्रोटोन है और जो उसके अंदर सीड्स हैं दैट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ एन एटम इज ऑलवेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्होंने बोला था जो मास है एटम का वो लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं मास ज्यादा है कहीं मास कम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एटम का जो साइज है वो ट्वेंटू थी पावर माइनस एट सेंटीमीटर होता है इन्होंने एटम की इलेक्ट न्यूट्रलिटी तो बता दी थी कि एटम न्यूट्रल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने उतने ही प्रोटोन है लेकिन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के विषय में इसने कोई जानकारी नहीं दी थी जो रदरफोर्ट ने दिया था ना उसके विषय में ये एक्सप्लेनेटरी फॉर्म नहीं दे पाया था तो बच्चों थॉमसन मॉडल मतलब क्या एटम एक स्पीय है पॉजिटिव चार्ज का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमने बीट कर दिया है दूसरा पॉइंट क्या बोला मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तीसरा क्या बोला एटम रिजिड है और उसका एट सेंटीमीटर है। ये इसके चार में थे। लेकिन सिर्फ ये, ये नहीं बता पाया था, अल्फा जो नहीं दिया था अब अल्फाइट एक्सपेरिमेंट जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ पहला टर्म रेडियो कौन होता है तो रेडियक्टिव सब्सटेंस जनरली वो सब्सटेंस होता है जो अपने न्यूक्लियस में से रेडिएशन अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में निकालता है क्योंकि ऐसे सब्सटेंस का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ओके okay? जैसे पोलोनियम जैसे रेडियम जैसे यूरेनियम, ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या करा कि एक रदर साहब ने क्या करा एक लेड बॉक्स ले लिया उस लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भर लिया जो रेडिएशंस अल्फा एमिट कर रही है उस रेडिएशंस को एक स्लिट में से गुजार कर एक थिन गोल्ड फॉइल पर गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट कराई जिसकी थिकनेस लगभग पॉइंट जीरो जीरो वन नाइनोमीटर है और जो जिसके चारों तरफ क्या है एक सराउंडेड है ये सर्कुलर स्क्रीन की किससे कूटेड है जो जिंक सल्फाइड से तो उन्होंने एक लाइट का बॉक्स लिया उसके अंदर रेडिएक्टिव सब्सटेंस रेडियम ले लिया जो अल्फा रेडिएशन एमिट कर रहा है उसको एक स्लेट में से गुजारकर एक गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट कराया जिसकी थिकनेस लगभग पॉइंट जीरो वन नैनोमीटर है जो कि सराउंडेड का ऐसे एक सर्कुलर स्क्रीन से से जो है जिंक सल्फाइड तो हुआ क्या उसके एक्सपेरिमेंट में तो लगभग लगभग नाइन अल्फारे उस गोल्ड फॉइल में से निकल गई पास हो गई कुछ अल्फारे इधर उधर स्कैटर्ड हुई जो कैसे पता चला तो जिंक सल्फाइड प्लेट से जैसी टकराएंगी ना तो वो लाइट प्रोड्यूस करेंगी और बीस में से एक अल्फारे वन एट्टी एंगल से बैक आ गई वापस आ गई वापस आ गई उससे हमको क्या क्लियर हुआ उससे हमको पता चला कि जो एटम है चूंकि अल्फ़ा रे जैसी इंसिडेंट हुई पूरी की पूरी अल्फा रे न, 99% निकल गई मतलब क्या है एटम हॉलो है एटम क्या है रिक्त है और कुछ अल्फा रे कुछ एंगल से इधर उधर स्कैटर्ड हुई है मतलब उसके न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका और चूंकि अल्फा पार्टिकल भारी है और उसके पास से वो रिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है मतलब वो भी न्यूक्लियस भी काफ़ी भारी होगा और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा तभी तो उसने उसको रिपल करके थोड़ा सा स्कैटर्ट किया है और 180 से वापस आ गया वो ये बता रहा है दोबारा अगेन न्यूक्लियस रिजिड है और सारा का सारा मास उस छोटे से पार्ट के अंदर न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है जिस पॉजिटिव पार्ट पार्टिकल को उसने क्या बोला नाम प्रोटोन दिया ओके okay बच्चों तो उसको दोबारा रिकैप कर रहा हूं मैं एक लैट का बक्सा लेना उसमें रेडिएक्टिव सब्सटेंस रेडियम या पोलोनियम वगैरह भर लेना वो उस जो कि अल्फ़ा रेडिएशन एमिट करेगा उसको स्लिट में से गुजार कर एक गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट कराना जो काय से सर्कुलर एक डिस से घिरी रहती है जो जिंक सल्फाइड प्लेट की जिसके ऊपर अपन बोलते हैं कोटिंग रहती है क्या होगा 99 नाइन परसेंट अल्फरे उसमें से निकल जाएंगी कुछ इधर उधर स्कैटर्ड होंगी और बीस हज़ार में से एक अल्फारे वापस आ जाएगी जो ये बताएगा कि एटम हॉलो है एटम के न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और न्यूक्लियस रिजिड है तभी तो रिपल होकर वापस आ गया है और उसका वॉल्यूम भी बहुत छोटा सा है बहुत छोटा पार्ट है जिसको उसने न्यूक्लियस कहा है और उसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट है पॉजिटिव उसका नाम उन्होंने प्रोटोन दिया बच्चों अब है रदर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन आइटम ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमको द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड एस ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और उस घूमते हुए पाथ को उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने ऑर्बिट कहा दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस थर्ड पॉइंट जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं उसके न्यूक्लियस में उतने ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं चौथा पॉइंट द मास ऑफ एन इज मास ऑफ न्यूक्लियस मीन सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है ओके okay? और एटम का जो साइज होता है टेन पावर माइनस एट सेंटीमीटर होता है और रेडियस न्यूक्लियस का टेन पावर माइनस थ्री थर्टीन सेंटीमीटर होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एटम का जो साइज़ है वो न्यूक्लियस की तुलना में टेन पावर फाइव टाइम्स है और उसका वॉल्यूम टेन टू पावर फिफ्टीन टाइम्स होता है और एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अलावा सारा का सारा जो पार्ट है एटम का वो एम होता है और एक और पॉइंट है कि सभी एटम के न्यूक्लियस में एक समान न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता है वो वेरी करता रहता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ बच्चों अब इसका था इसके बाद हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोगों को ये क्लियर हुआ कि इसने क्या रिप्रेजेंट किया और क्या नहीं किया तो इससे हम लोगों को कम से कम ये क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या था कि जब भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे इन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन स्पायरल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लॉस करेगा और एनर्जी लॉस करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी चीज़ एटम स्टेबल नहीं होता है फिर ही इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में कि जब जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हुए एनर्जी लॉस कर रहा है तो जब हम उसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो कंटिन्यूस होना चाहिए लेकिन इसका जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ये डिसकन्टीन्यूस होता है ओके okay? तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे जो ये हम लोगों को नहीं बता पाया था थैंक यू